गाइस, अपनी रोजाना जिंदगी में सिर्फ ये 5 चीजें शामिल कर लीजिए और आपका पेट लटका हुआ 101% अंदर हो जाएगा। इनफैक्ट पेट ही नहीं, अगर आपके पूरे शरीर पर बहुत ज्यादा चर्बी है तो वो भी खत्म हो जाएगी। बहुत आसान सी चीजें हैं, बस आपको शामिल करना है और उसका बेहतरीन रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बात कर लेते हैं वो है कौन सी पहली चीज। लेकिन उससे पहले, हमारा जो बेली फैट है वो बहुत तरह का होता है। एक बेली फैट होता है पोस्ट प्रेगनेंसी वाला, जो डिलीवरी के बाद हो जाता है। दूसरा बेली फैट होता है हमारा हार्मोनल इंबैलेंस, यानी पीसीओएस, पीसीओडी, या आपको कोई थायराइड है या आपको डायबिटीज है, उसकी वजह से हमारा बेली बाहर होता है। तीसरा रीजन होता है अल्कोहल की वजह से। बहुत सारे लोग अल्कोहल इनटेक करते हैं, जेंट्स, गर्ल्स, तो उसकी वजह से उनका बेली जो होता है बाहर होता है। फोर्थ रीजन हमारा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी लाइफ में इतना ज्यादा है आजकल की लाइफ में, हर किसी का पर्सनल प्लस में प्रोफेशनल, जो हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारा बेली कम नहीं हो पाता। और फिफ्थ रीजन है हमारा बैड लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब है, खाने का कोई टाइमिंग नहीं, जब मिलता है तो बहुत सारा खा लेते हैं, नहीं तो बहुत बहुत घंटे भूखे रहते हैं, या फिर रात को देर रात तक जागने की आदत है, लेट नाइट मूवीज देखते हैं और हम खाना इनटेक करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हमें टारगेट करना है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ फूड पे टारगेट करें, कि आपको कम खाना है, एक्सरसाइज करनी है, तो गलत है। हमें इन सब चीजों को भी अपनी लाइफ में टारगेट करना है, तभी हम अपने बेली फैट को रिड्यूस कर पाएंगे। तो पहली सबसे जरूरी चीज क्या है कि जब भी आपने खाना खाना है तो प्रॉपर चोगड़ा मार के, मतलब आलती पालती मार के, रिलैक्स होके खाना खाना है। खाने की आपने छोटी छोटी बाइट लेनी है। और खाने से सबसे पहला इम्पोर्टेंट नियम क्या करना है, आपने खाना खाने से 1.5 घंटा पहले अच्छे से 2-3 ग्लास पानी पी लेना है। इससे आप ओवर ईटिंग से बचेंगे। और जब आप खाने के बीच में पानी पीते हैं तो हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, जो पेट में आग होती है, जो खाने को पचाती है, खाने को ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो जब शांत हो जाती है तो वो हमारे खाने को फैट में कन्वर्ट कर देती है। तो आपने खाने से 1.5 घंटा पहले अच्छे से 2-3 ग्लास पानी पी लेना है। ठीक है, तो ये आपके बेली फैट को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। और खाना आपने आराम से रिलैक्स होके खाना है, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करे बिना आपको खाना खाना है। किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि जो हम किसी से बात करते हैं, उसकी कोई स्टोरी सुन रहे होते हैं, तो हमारा माइंड ना हमें कहता है, इंडिकेट नहीं कर पाता कि आपका पेट भर चुका है, क्योंकि आपका माइंड बिजी होता है टीवी देखने में, कोई गैजेट्स यूज करने में, या किसी की बात सुनने में। तो वो कन्वर्सेशन क्या करती है, हमारे माइंड को बिजी कर देती है, और हमारा माइंड हमें इंडिकेट नहीं करता कि आपका पेट भर चुका है, तो आप ओवर ईट कर लेते हैं। ठीक है, या कहीं बहुत टेस्टी खाना होता है तो हम ओवर ईट कर लेते हैं। तो उससे हमें बचना है, माइंड अपना रिलैक्स रखना है उस टाइम पे, गैजेट्स किसी भी पर्सन से, टीवी से दूर रखकर हमें अपने खाने को प्रॉपर टाइम देना है, ताकि उस पर हम फोकस कर सकें, उसको चबा चबा के आराम से खा सकें। क्योंकि जब हम खाते हैं तो जब हमारी जो फूड पाइप से हमारा खाना हमारे पेट में जाता है, जब हमारे ऊपर से खाने की अच्छी जो प्रक्रिया होती है वो ठीक होगी ना, तो डेफिनेटली वो आपको खाना डाइजेस्ट होगा। क्योंकि जब आप बहुत जल्दी और बड़ी बड़ी बाइट्स खाते हैं तो इससे हमारे ऑर्गन्स पे भी लोड पड़ता है, और उसको इतना बड़ा बाइट चबाने में, जो हमारी आंतें होती है ना, इनसे टाइम बहुत छोटी होती है, तो उनको चबाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो वो क्या होता है, आपके एनर्जी में ना कन्वर्ट होके आपके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस चीज से आपको बचना है। खाने के बीच में आपने पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, आपको मैंने बताया उसका रीजन, और खाना खाने के 45 मिनट बाद ही आपको पानी पीना है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 है बहुत गुड अच्छा पॉस्चर। पॉस्चर बहुत डिपेंड करता है, जब हम झुक कर बैठते हैं ऐसे तो हमारा टमी बाहर होने लगता है, निकलने लगता है। खड़े होते हैं तो हम ऐसे खड़े होते हैं, लेटते हैं तो हम उल्टा लेटते हैं या साइड भार लेटते हैं। इससे क्या होता है, जो आपका टमी है वो ऑटोमेटिकली ना आपकी एक थैली जैसी शेप ले लेता है, और आपका जो पेट है ना वो थैला बन जाता है। ठीक है, आपकी मसल्स ऑटोमेटिकली ऐसे बढ़ने लगती हैं, उसी एरिया में फैलने लगती हैं। ये स्टडी में पाया गया है, ये मेरे खुद के वर्डिंग्स नहीं है। तो पोस्चर बहुत डिपेंड करता है। जब भी आपने बैठना है, कंधे पीछे करके, छाती आगे करके, पेट को एकदम स्क्वीज करके आपने बैठना है, अपनी कमर को सीधा रखना है, चलना है तो आपने इस पोस्चर में चलना है, और लेटना है तो आपने पीठ के बल लेटना है। ठीक है, इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो मसल्स है वो ऑटोमेटिकली टोन होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके साथ में मैं आपको जैसे करके दिखा रही हूँ, आपको अपने पेट को अंदर स्क्वीज करना है, सक करके रखना है कुछ देर के लिए। आपको पूरे दिन में कम से कम 10-12 बार खड़े होकर अपने पेट को अंदर खींचना है। सांस अंदर खींचते हुए पेट को अंदर खींचिए, रिलैक्स, बाहर कर दीजिए, फिर अंदर खींचिए,
फिर रिलैक्स कर दीजिए। अगर आप ये प्रोसेस करेंगे, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी, ये इतना इफेक्टिव है आपके पेट की मसल्स को टोन करने के लिए, स्क्वीज करने के लिए। आप खुद नोटिस करेंगे कि पहले से जो आपका पेट थैले की तरह लटक गया था ना, अजीब सा हो गया था, लूज पड़ गई थी स्किन, वो एकदम फर्म होती जा रही है, टाइट होती जा रही है। अब तीसरी चीज क्या है, ये पानी जो हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है, इससे हमारी सांसें चल रही हैं। लेकिन ये पानी दो तरह का होता है। एक पानी होता है जो आपकी पूरी नसों को ब्लॉक कर देता है, आपके फैट को बढ़ा देता है, एक पानी ही अगर आप उसको सही तरीके से पीते हैं तो वो आपके पेट की चर्बी को क्या पूरे बॉडी के फैट को रिड्यूस करता है। कौन सा पानी पीना है आपने? ठंडा पानी नहीं, आपने पीना है गर्म पानी। गर्म पानी आपने जरूर पीना है। सुबह उठकर 3 से 4 ग्लास गर्म पानी पिए, खाना खाने से जो पहले 1.5 ग्लास पी रहे हैं वो गर्म पानी पिए, खाना खाने के 45 मिनट बाद जो पी रहे हैं पानी वो गर्म पानी पिए। अगर गर्मियां बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, मानती हूँ कंट्रोल नहीं होता, फ्रिज का पानी ना पिए, मटका खरीद के लाए, नलके वाला होता है, आराम से मटके का पानी पिए, वो आपके शरीर को फुलाएगा नहीं। ये आपकी एजिंग को, मतलब आपकी स्किन, आप नोटिस करेंगे कि अगर आपकी स्किन पे रौनक नहीं है, ग्लो नहीं है, झुर्रियां आ रही है समय से पहले, तो वो तो ठीक होंगी होंगी और आपका बॉडी बहुत अच्छे से मेंटेन रहने लगेगा। अगर आपके पास वर्कआउट का टाइम भी नहीं मिल रहा तो 1 महीने में सिर्फ आप गर्म पानी से आराम से 3 से 4 किलो वजन घटा लेंगे। आपको क्या करना है, इस तरह की 2 लीटर की बॉटल, कोई भी 2 लीटर की बॉटल हमेशा अपने पास रखनी है। अगर आप घर पर हैं या ऑफिस में हैं तो आपको पता रहेगा आपने 2 लीटर कवर कर लिया। फिर आपने इसको दोबारा रिफिल करना है, फिल कर लेना है और उसके बाद दोबारा इसको खत्म करना है। पूरे दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीजिए, तो इससे आपको आइडिया रहेगा, क्योंकि ग्लास में जब आप डाल के पीते हैं तो आपको आइडिया नहीं रहता कि हाँ सच में आपने इतना पिया है या नहीं पिया। तो प्लीज पानी बहुत ज्यादा इंटेक करें, ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को अंदर से क्लींस करता है, फ्लश आउट करता है आपके वेस्ट ऑक्सिन्स को, और आप एक हेल्दी, आपका जो है अंदर से ऑर्गन्स रहते हैं, आपका डाइजेशन बूस्ट रहता है। अब 4 चीज है हमारे डेली रूटीन में, हमें क्या चीज ऐड करनी है, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मस्ट है, आपको सिर्फ 10 मिनट देने हैं जिससे कि आपका बेली रिड्यूस हो जाएगा। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, या आप बहुत तरह की टमी की एक्सरसाइज है जो मेरे चैनल पर है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके बेली को रिड्यूस करने के लिए। सिर्फ 5 से 10 मिनट दें, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरा पूरा दिन एक्सरसाइज करने की या जिम करने की। बस रोजाना के 5 या 10 मिनट एक्सरसाइज करें और फिर देखें आपके अंदर आने वाला बेहतरीन रिजल्ट, ठीक है। अब बारी आती है 5th चीज की, आपको क्या करना है, अच्छी नींद लेनी है और स्ट्रेस को खत्म करना है। स्ट्रेस खत्म करने के लिए आपके लाइफ में जो बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं, क्या होता है जब हम कोई प्रॉब्लम में फंसे होते हैं और उसका सोल्यूशन हमें नहीं मिलता तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। तो हमें क्या करना है, अच्छा मेडिटेशन करना है, योगासन करने हैं जो हमारे स्ट्रेस लेवल को खत्म करते हैं। जो लोग हमें नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं ना, उनसे हमें दूर रहना है। कोशिश करें आपका अगर फैमिली फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं या आपका बहुत ही करीबी है कोई, तो कोशिश करें उससे गैप मेंटेन करने की। जितना गैप मेंटेन करेंगे उतना ही आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपका वेट मैनेज रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छी नींद ले पाएंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से फोकस कर पाएंगे, कुछ अपने लाइफ में अचीव कर पाएंगे। नहीं तो आप उसी स्ट्रेस को सोचते रहेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो पहले तो बहुत लेट आते हैं घर और ऊपर से अपने गैजेट्स में, मोबाइल्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लग जाते हैं और अपनी नींद पूरी नहीं ले पाते, और अगले दिन उनसे जो ऑफिस का काम है वो भी नहीं होता, और इससे क्या होता है, उनका बेली फैट बढ़ने लगता है। जब उनको नींद आती है तो उसको दूर करने के लिए, अपनी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए ज्यादा खाते रहते हैं, तो आपको वो चीज भी अवॉइड करनी है। आपको करना है फास्टिंग वीक में 1 दिन। जी हाँ, फास्टिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, इससे आपके ऑर्गन्स को रेस्ट मिल पाता है, आपकी बॉडी अच्छे से क्लींस हो जाती है। जो आप सारा दिन खाते रहते हैं, जो आपकी बॉडी में कचरा जमा होता है वो निकल जाता है। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं नई भी है तो रोज उसको आप यूज करेंगे तो सर्विस के लिए आपको उसको 1 दिन देना पड़ता है, जिस दिन आप उसको चलाते नहीं लेकिन बल्कि सर्विस देते हैं, इंजन वगैरह सब अच्छे से साफ करवाते हैं। तो यही आपका शरीर है, अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो आपको 1 दिन उसको देना पड़ेगा रेस्ट का, जो आप उसके अंदर सारा दिन डाल रहे हैं, ताकि वो अच्छे से क्लींस हो सके, साफ हो सके। तो आप उस दिन सिर्फ लें नॉर्मल पानी, जूसेस, फ्रूट्स, सिर्फ ये इंटेक करें, दाल का सूप, दाल पतली, बिल्कुल पतली पाने वाली दाल लें, सिर्फ हल्का सा सॉल्ट, बहुत कम सॉल्ट डालें और वो इंटेक करें, ठीक है। इसके अलावा पूरा दिन रोटी, चावल, कुछ भी हैवी चीज, ब्रेड, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं खाना।
और अपने खाने में से शुगर और सॉल्ट को बिल्कुल कट ऑफ कर दें, क्योंकि जो शुगर होती है वो भी आपके बॉडी पर एजिंग लेकर आती है, आपकी स्किन को लूज करती है, उसकी टाइटनेस को खत्म करती है और आपके बेली एरिया को बहुत ज्यादा फुला देती है। ऐसे ही सेम एज इट इज नमक जो होता है वो भी यही काम करता है, वो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ा देता है, जो फैट होता है ना साइड फैट बल्जेस, मोटी मोटी बाजुएं, ये सब वो सॉल्ट की वजह से बढ़ने लग जाती हैं, तो आपको उसको भी कट ऑफ करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी फैमिली, अगर आपको मेरा ये बहुत ही बेहतरीन सा 5 चीजें जो आपको अपनी जिंदगी में शामिल करनी है पसंद आया हो, तो वीडियो को जमकर शेयर करना, जमकर लाइक करना और ब्लॉकबस्टर बना देना। ऐसे ही कुछ नया देखने के लिए मुझे प्यार देते रहें, कमेंट करें कि कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।